बहुत बहुत स्वागत, आप देख रहे हैं मथुरा हलचल न्यूज। आइए बढ़ते हैं आज की ताजा खबरों की ओर। जिस तरह 22 जनवरी को अयोध्या में श्री राम मंदिर लगभग 500 वर्षों के बाद अपने भव्य और दिव्य मंदिर में विराजमान होंगे, जिसको लेकर मथुरा के श्रीजी नगर में राम सेवकों द्वारा राम जी की तस्वीर लेकर घर घर जाकर निमंत्रण दिया है कि जिस तरह से श्री राम मंदिर का निर्माण भव्य और दिव्य रूप में हुआ है, उसी को लेकर सभी को निमंत्रण देने के लिए राम सेवकों की टोलियाँ मथुरा के शहर के जगह जगह पहुँच रही हैं। बहुत जोर का उत्साह पूरे नगर में है, पूरा मथुरा नगरी ही राममय बन गई है। आज का ये कार्यक्रम अपने तुलसी नगर बस्ती तुलसी शाखा, जिसमें कि श्री राम पूजित अक्षत कलश यात्रा निकाली गई और आज शाम से ही इस अपने उपवस्ती तुलसी नगर में वितरण कार्य भी प्रारंभ हो जाएगा। अयोध्या से जो पूजित अक्षत आए हैं उनके साथ भगवान श्री राम के मंदिर का एक फोटो और अपने वहाँ से निमंत्रण पत्र जो आए हैं उनको हर घर घर तक पहुँचाना ये हमारी जिम्मेदारी है, हमारा कर्म है और निश्चित रूप से इस जिम्मेदारी को हम पूरे तन मन के साथ, पूरी ऊर्जा के साथ, अपने सभी बस्ती वासियों के साथ पूर्ण करेंगे। ऐसा प्रभु ने हमें ऊर्जा का संदेश भी दिया है और हमें आशीर्वाद भी दिया है। जनपदवासियों में कैसा उत्साह है? पूरे जनपदवासी राम मंदिर को प्राण प्रतिष्ठा समारोह को लेकर पूरी तरह उत्साह से भरे हुए हैं। चारों तरफ रामलला के गीत गाए जा रहे हैं और पूरी नगरी राममय हो गई है। ऐसा लग रहा है कि अपनी मथुरा नगरी भी अयोध्या की तरह ही पूरी राममय हो गई है और हम 22 जनवरी को बहुत भव्य दिव्य कार्यक्रम अपने नगर में हर मंदिर पर प्रकाश व्यवस्था, हर मंदिर पर वहाँ पर साउंड के साथ में श्री राम भजन कीर्तन, विजयी मंत्र का पाठ व राम कथा की अनेक प्रकार के, जिसमें रामचरितमानस का पाठ है, सुंदरकांड का पाठ है, ऐसे आयोजन प्रत्येक मंदिर पर किए जाने का योजना बनाई गई है। हर मंदिर को भव्य दिव्य सजाया जाएगा और अपने जितने भी राम भक्त परिवार अपने नगर में रहते हैं सभी नगर वासियों के घर घर जाकर अक्षत प्रदान करते हुए हमने आह्वान किया है कि हम वहां अपने 22 जनवरी को अयोध्या की तरह ही अपने घर में भी दीपावली उत्सव मनाते हुए हम दीपदान करेंगे और रामलला के प्राण प्रतिष्ठा समारोह का हम अपने मथुरा से ही LED लगाकर, सार्वजनिक स्थानों पर LED लगाकर उस प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम के प्रत्यक्षदर्शी बनेंगे और अपने मन में इस प्रकार का भाव व उत्साह लिए हुए हैं कि भगवान श्री राम जो 500 वर्षों के लगा संघर्ष के बाद आज जो प्राण प्रतिष्ठा का जो कार्यक्रम हो रहा है वो हमारे दिल पर राज करने वाले कार्यक्रम के रूप में हमें ये अनुभूति हो रही है और हम सब बहुत गदगद हैं कि प्रभु श्री राम बड़े ही लंबे संघर्ष के बाद आज अपने भव्य दिव्य मंदिर में प्रतिष्ठापित होंगे और सभी को दर्शन प्रदान कर अपना शुभ आशीर्वाद प्रदान करेंगे। जनपदवासियों के लिए खास संदेश? जनपदवासी पूरी तरह रामलला के रम गए हैं, मन में राम, घट में राम, जीवन में राम, उनकी जीवन साहित्य भी राम बन गया है और पूरी तरह उनके लिए यही शुभ संदेश है कि सभी हम राम भक्त 22 जनवरी के बाद अयोध्या पहुंचकर भगवान श्री राम का हम वहां दर्शन प्राप्त करें, उनके दर्शन का पुण्य लाभ हमको मिलेगा और हमारे जीवन में एक नव उत्साह और खुशी का वातावरण बनेगा। ऐसा मुझे पूर्ण विश्वास है कि अपने श्री कृष्ण की जन्मभूमि से हम सब श्री राम का ये संदेश पूरे अपने भारत के कोने कोने तक अपने मथुरा नगरी के माध्यम से श्री राम मय बनाते हुए इसको दे रहे हैं, ऐसा हमारा आभास है। जय गुरुदेव हॉस्पिटल महोली रोड मथुरा, हमारे यहाँ माइनर OT, इमरजेंसी, ICU, PICU, NICU सभी प्रकार के सिटी स्कैन, एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, अत्याधुनिक पैथोलॉजी लैब, प्राइवेट एवं जनरल वार्ड, डीलक्स रूम, महिला चिकित्सकों द्वारा डिलीवरी सुविधा, आंखों का ऑपरेशन, दांतों का उपचार, सभी प्रकार के ऑपरेशन, उचित दर पर दवाइयाँ, 24 घंटे एम्बुलेंस सुविधा, जनपद में सबसे कम दर पर 100 रुपए में OPD सुविधा उपलब्ध है। संपर्क करें 8650777901।
गोपी कृष्ण हॉस्पिटल चिकित्सा के क्षेत्र में मथुरा का अग्रणी हॉस्पिटल एवं पहला टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर है। IVF में 70% सफलता, स्त्री रोग विभाग में हाई रिस्क डिलीवरी, सिजेरियन ऑपरेशन, हिस्टेक्टोमी आदि बेहद अनुभवी एवं क्वालिफाइड लेडी डॉक्टरों द्वारा किए जाते हैं। मॉड्यूलर OT एवं हाईटेक मशीनों से फिजियोथेरेपी, एम्स दिल्ली एवं CMC बेल्योर द्वारा सर्टिफाइड पैथोलॉजी। गोपी कृष्ण हॉस्पिटल में आयुष्मान कार्ड, ESI कार्ड, BSNL के कार्ड, रेलवे के कर्मचारियों के कैशलेस इलाज की सुविधा, लगभग सभी इंश्योरेंस कंपनियां एवं TPI कार्ड धारकों को कैशलेस इलाज की सुविधा।